हेलो दोस्तों, तो भारतीय सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है और वर्तमान के हालात देखते हुए ये जरूरी भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको लॉकडाउन से संबंधित बहुत सारी बातें बताऊंगा और आपके मन में बहुत सारे जो सवाल उठ रहे होंगे उसे मैं इस वीडियो से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन के वक्त कोई पर्सन जहां है उसे वहीं रहना होता है। कह सकते हैं कि आप यदि घर में हैं तो घर में रहें और कोशिश करें कि घर में ही रहें। एक इंसान बाहर तभी निकलता है जब उसे इमरजेंसी हो या कुछ इमरजेंसी काम हो। कुछ कुछ जरूरी सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल, दवाई की दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स जहां आपको रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, वो सब खुली हुई रहती हैं। क्या क्या चीजें लॉकडाउन में बंद रहती हैं? तो सारे स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। इंटर स्टेट ट्रेन्स और बसेस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती हैं वो बंद रहती हैं। यहाँ तक कि लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज भी बंद रहते हैं। कौन कौन सी जरूरी सेवाएं पर लॉकडाउन नहीं लगता मैं आपको बता दूं। हॉस्पिटल्स, फिर दवाई की दुकानें, पुलिस, फायर स्टेशन, ग्रोसरी शॉप, राशन शॉप, बैंक, एटीएम और अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो ई कॉमर्स जो डिलीवरी का काम करती है वो भी बंद नहीं होती है। और खास करके ये जो है खाना और जो मेडिसिन का डिलीवरी करते हैं उन लोग, लॉकडाउन उन लोग पे नहीं होता है। फिर म्यूनिसिपल सर्विसेज जैसे कि पानी और बिजली, मीडिया, आपका पेपर हो गया और आपका टीवी हो गया, ये सब पे लॉकडाउन का असर नहीं होता। मिल्क हो गया और जो जरूरत की सामान होते हैं वो भी उन पर लॉकडाउन का असर नहीं पड़ता। वैसे ऑफिसेज जो गवर्नमेंट चलाने के लिए जरूरी है वो भी बंद नहीं होते। होम डिलीवरी सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीजों पर भी लॉकडाउन का असर नहीं होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मेरे जॉब का क्या होगा लॉकडाउन के वक्त। तो आमतौर पे जो प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं वो बंद रहते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप घर से ही काम करें। कुछ कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या मेडिकल प्रोफेशनल या मीडिया सर्विसेज उनको काम करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं लॉकडाउन के वक्त सफर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के वक्त जो है सो सफर बहुत ही इमरजेंसी में ही किया जाता है और यदि सफर करना भी है तो आपको अपना व्हीकल या अपना गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है सो वो बंद कर दी जाती हैं। क्या मुझे चीजों को स्टॉक करना है? तो अभी करेंटली इंडिया में जो है सो कंप्लीट लॉकडाउन तो हो गया है लेकिन जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वो सब तो हो ही चुका है, मतलब कि ट्रैवल वगैरह पे बैन लग चुका है और पब्लिक प्लेसेस सब बंद हो गया है, लेकिन एसेंशियल सप्लाई जैसे ग्रोसरी स्टोर, दवाई की दुकानें और बैंक वगैरह जो है सो चलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है। इसलिए डरे नहीं और ये लॉकडाउन से आपकी जिंदगी में असर तो पड़ेगा पर ये जरूरी भी है क्योंकि यदि हम ऐसे कदम नहीं उठाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा और भविष्य को देखते हुए बहुत ही सही चीज किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और आगे भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।